मेरी वॉच कहाँ गई? क्या लेविरो ठीक हो ना? खैर खैरियत से हो, मजे में हो? तो आज बेसिकली ना मेरी घड़ियाँ जो है तीनों की तीनों ख़राब हो गई है, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी तीनों की तीनों ख़राब है और मैं जा रहा हूँ आज सरगोधा के मेन बाज़ार में। मैं अभी उठा था, ठीक है, कोई भी शू धो लेता हूँ और फिर मैं जाता हूँ सीधा बाज़ार। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया, ठीक है? दिस वन माई फर्स्ट वॉच, देख सकते हो ख़राब हो गई है। मैंने मुंह नहीं धोया क्योंकि मेरे पास पैसे आए थे ना, तो मैंने सोचा मैं अपनी पहले वॉचेस जो है वो प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि वॉच के बिना मेरा कोई नहीं गुजारा, ठीक है? ये मेरी पहली जो वॉच है ये काली ख़राब हुई, ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ। और ये मेरी दूसरी वॉच है, ये देखिए, ये भी ख़राब हुई पड़ी, यहाँ से टूटी पड़ी है, ठीक है, ये इसका भी ये ख़राब हो गया, मतलब ये भी मेरी ख़राब हो गई। और ये रही मेरी तीसरी वॉच जो मुझे सिस्टर ने गिफ्ट की थी, ये रही, इसको भी मैंने बनवाना है क्योंकि ना ये थोड़ी बड़ी है मुझसे। मैं जब घर होता था तो मेरी कलाई बहुत मोटी थी, मतलब मैं खाना अच्छा खाता था, अम्मी शेक पिलाती थी, जिम करता था। तो अब इधर हॉस्टल में आ गया तो इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो सिस्टर ने भेजी थी तो मेरी जो है कलाई अब कमज़ोर हो गई, ठीक है? तो एक सेकंड, तो ये तीनों का तीनों मुझे जो घड़ियाँ दी थी ना, ये मुझे मेरी सिस्टर ने ही दी थी, ठीक है? तो मैं अभी जाऊँगा इस सरगोधा मेन बाज़ार इनको प्रिपेयर करवाना, और सरगोधा का मेन बाज़ार भी मैं आपको आज विज़िट करवाऊँगा। बाहर जाने से पहले मैं अपनी मेडिसिन ले लेता हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है। ये रही मेरी एंटीबायोटिक, वो या फार्मेसी स्टूडेंट तो हमें पता है, हमने अपनी मेडिकेशन खुद करनी होती है, ठीक है? हमें मेडिसिन का पता होता है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम खुद ही अपनी मेडिकेशन कर लेते हैं, खुद दवाई ले आते हैं। और ये रही मेरी बुखार की, ठीक है, मैं ठीक वो भी सही नहीं भी हूँ, पाँच दिनों से मुझे काफ़ी बुखार रहा है पिछले पाँच दिनों से, ठीक है? तो मैं कोई भी मेडिसिन आपने खाली पेट एक नहीं करनी, ओनली ओमेप्राजोल जो होगी ना, राइजिक के कैप्सूल सुने होंगे आपने, ठीक है, और ओमेगा 24 TMG, ये आते हैं, ये जो आपने जो आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है ना, जैसे खाली पेट आप इनको ले सकते हो, बाकी कोई भी मेडिसिन आपने एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी, ठीक है? एज अ फार्मेसी स्टूडेंट मेरा बताना आपको फ़र्ज बनता। तो मैंने बिस्किट खा लिए, ठीक है, मेरे रूम पर पड़े थे, कुल्ली भी कर ली, और दिस वन इज़ वाटर एंड दिस वन इज़ एंटीबायोटिक, सॉरी दिस वन इज़ फीवर मेडिसिन, इट्स नेम इज़ मैफनिक डीएस, ओके, एंड दिस वन इज़ एंटीबायोटिक, ये भी खा ली। कामला आगे क्या होता है मुझे भूल गया वो भी, ठीक है। और ये जो गानियाँ हैं, पता नहीं ये घड़ियों से निकली है, ये अम्मी ने रखी होगी, मुझे नहीं पता, आज मैंने देखी है, ठीक है, ये हाथ तो मैंने बांधते जो हो, मैं नहीं बांधता, लेकिन मैं घर में होता था तो अम्मी, मतलब मैं बांधता था घर में, मुझे ये था कि शौक था इनका। अब हॉस्टल में टीचर वगैरह देख लेना तो कहेंगे क्या मलक बना देता, ठीक है? तो वीडियो को टाइम ज़ाया नहीं करते, सीधा चलते हैं मेन बाज़ार। मैं मुंह धो लेता हूँ, फिर थोड़ी शूज़ वगैरह भी चेंज कर लेता हूँ, बाकी कपड़े यही रहेंगे, सीधी बात है, मलंग लोग जिस सलाद में भी जाए खुशी है बस, ठीक है? तो डोंट कमेंट ऑन मी हियर, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं, अब आपको थोड़ा मुँह शू धो के कोई शक्ल शक्ल अच्छी कर लें, फिर चलते सीधा बाज़ार। हल्का फुल्का मैं रेडी हो गया, जो भी है बस मुँह धोया, उसके बाद मैं जाने लगा हूँ सीधा बाज़ार। तो ये मैंने लॉक ले ली अपनी रूम की, ठीक है, और आप लोगों को एक टिप देता हूँ, ठीक है, अपने रूम की को ना गुम मत करना यार, वॉलेट खत्म हो ही गया। देखो क्या हालत हुई पड़ी है उसमें, वॉलेट पैसे चेक कर लो जी, ठीक है? तो आपको एक टिप देने लगा हूँ, ठीक है, उसको ना जहन में रखना, तो की हो ना हॉस्टल की, उसको गुम नहीं करना, नहीं तो फिर ताला काटना पड़ता है, ठीक है? तो हमारे साथ ऐसा अक्सर होता रहता है, अक्सर मैं गुम कर देता हूँ की, फिर मेरे रूम में मुझसे नई लॉक जो है
दिलवाते रहते हैं और मेरी आधी पॉकेट मनी महीने के लिए ये लाख लेते लेते गुजर जाती है, ठीक है। तो इस दफ़ा मेरे पास एक तीन चाबियाँ देके जाती हैं मुझे रूममेट, अभी मेरे पास एक चाबी बची हुई है। इस तरह मेरे पास गुम हो जाते हैं, मतलब मैं अपनी दुनिया में गुमसुम रहता हूँ, पता नहीं गुम हो जाते, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ बाजार, इंशाल्लाह मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे, ये अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। और मेरे ये हालात देखो, मैं बनवाने घड़ियाँ जा रहा था और घड़ियाँ ही भूल गया, लाग लगा के चला गया, अफसोस है यार। मैं घड़ियाँ मतलब हॉस्टल में वो पहले वाला क्लिप ना नीचे में चला गया था, अभी घड़ियाँ ही भूल गया, ये हालात है, पता नहीं जहन को क्या हो गया यार। मैं अभी नोमी के हॉस्टल जाता हूँ, नोमी को बुलाता हूँ अगर वो चलता है तो, क्योंकि अक्सर वो नाराज़ हो जाता है कि तुम मुझे बताए बगैर इधर उधर चले जाते हो। तो अभी मैं नोमी के हॉस्टल पहुँचने लगा हूँ। ये सामने नोमी का हॉस्टल है, उसको मैंने बताया नहीं, मैसेज नहीं किया मैंने, दिस वन इज़ नोमी हॉस्टल। तो अगर वो चलेगा तो उसको भी मैं साथ लेकर चला जाऊँगा, बाकी वो आएगा तो उसकी अपनी मर्ज़ी होगी, ठीक है। तो ये है नोमी का हॉस्टल, पास आया और नोमी देखें क्या कर रहा है। नोमी बाजार चलेगा यार, फिलहाल मैंने ना नहीं करनी है, नो आज जुम्मा है। अच्छा ना, और आज जुम्मा है यार, मैंने भी जल्दी वापस आना है, पता नहीं शॉप्स ओपन है या बंद है। ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर, तू नहीं चल रहा ना, चल ठीक है, ओके ओके, इंशाल्लाह जुम्मे के बाद आपको मिलते हैं, फिर यूनिवर्सिटी यूनि में मिलेंगे। जो आ रहा भाई यूनिवर्सिटी आ जाओ, आज 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 बहुत मजा करेंगे इंशाल्लाह, फ्री है ना आज हम, शाम यानी कि कितने बजे से, चार बजे से लेकर मगरिब तक हम यूनिवर्सिटी रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, ऐश करेंगे। आती क्या खंडाला, वो गाना है ना, पता नहीं किस फिल्म का, मुझे भी भूल गया वो है। ए सुन सुना आती का खंडाला, वो वाला सॉन्ग, ठीक है। तो इंशाल्लाह खुबैब भाई क्या हाल है आपके, ठीक हो, खैरियत से हो, खुबैब भाई देखे ने खर्चा कर डाला, टिकटॉक स्टार बनेंगे ये इंशाल्लाह। ये जो है सरगोधा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अभी ट्रेन आने वाली है, ठीक है। तो मैं यहीं से अक्सर जाता हूँ पैदल वगैरह वॉक करना, अभी ट्रेन आने वाली है, रश मश मचा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा जो है रेलवे स्टेशन ही है। ये सारे का सारा सरगोधा का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मैं शुरू हुआ था और ये इस साइड पे जा रहा है टोटल, ठीक है। तो बाजार वो ऊपर आपको पुल नज़र आ रही होगी, वहाँ से मैंने जाना है पुल वाली साइड से ना सीधा बाजार, और मैं थक भी गया और मुझे प्यास भी लग रही है, ठीक है। तो मेरी आदत है वैसे पैदल चलने की, तो मैं चलता रहता हूँ, जब भी मैं बाजार जाता हूँ इसी रूट से जाता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा सफ़र ना हो मेरे लिए। तो अभी मैं बाज़ार ही जाने लगा हूँ, आपको मैं कुछ ना कुछ तो लाजमी कैप्चर करने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं बाज़ार भी दिखा सकूँ, ठीक हो गया। अभी मैं रोड पर आ गया हूँ और इसी रूट को लेते हुए मैंने आगे जाना है। मुझे शक हो रहा है जो मैंने शॉप पर जाना था वो शॉप्स बंद ही ना हो, मुझे ऐसे फील हो रहा है, और जो
मुझे अक्सर फील होता है कोई अक्सर सच हो जाता है. देखते हैं क्या होता है, पता नहीं खुली है बंद है, नो आइडिया. तो आपको नज़र नहीं आ रहा पीछे ये सारा, ये ट्रस्ट प्लाजा, इसका नाम है ट्रस्ट प्लाजा. यहाँ से ना आप कोई भी मोबाइल लेना हो ना आप ले सकते हो, सस्ते वाले भी महंगे वाले भी. ठीक है, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी आए हो आपको मोबाइल की ज़रूरत है ना, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेक चीज़ें भी होती हैं, तो आपने ध्यान रखना है दो नंबर चीज़ों से बचना. ठीक है, तो यहाँ से आप मोबाइल ले सकते हो ट्रस्ट प्लाजा, ये सारे के सारे मोबाइल शॉप्स हैं. मेरा ना इरादा है कभी मैं इसके ऊपर अलग से ब्लॉग बनाऊंगा कि ठीक है, तो इस पर भी मेरा इरादा है कि मैं इस पर प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊंगा पूरे ट्रस्ट प्लाजे का, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें, सिर्फ मोबाइल शॉप्स नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर. जुम्मा वगैरह भी पढ़ लिया और मैं बाज़ार भी होया, पीछे मस्जिद थी इधर पढ़ा है मैंने रेलवे स्टेशन के साथ, तो चश्मा भी बनवाना था, चश्मा भी बन गया मेरा. तो उम्मीद है आपको वीडियो जो अच्छी लगी होगी. मैंने आज ऐसे जाना था घड़ियां बनवाने वाचे से उधर के बाज़ार में, तो सोचा कि व्लॉग बना लेता हूँ. आपने अगर नहीं देखा तो जाके देख लें. यार जो फ्री दिन हो ना उन दिनों में घर मत पड़े रहा करो, ना हॉस्टल, कुछ ना कुछ देखते रहा करो नया नया ना, यूनिवर्सिटी में या कि बाज़ार, अपना अपनी लिमिट में रहकर. ठीक है, यही चीज़ें होती हैं जो बंदे को ग्रूम करती हैं. अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी दी है तो गाड़ी पे जाया करें, आप पैदल हो तो अल्लाह ताला ने टांगे दिए, टांगे अपना इस्तेमाल करें. अल्लाह ताला ने आपको साइकिल दी है तो साइकिल का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो अपना अपना सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, सरगोधा सिटी को एक्सप्लोर करें. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.